बीते मंगलवार टीम इंडिया और टीम अफगानिस्तान दुबई के इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में आमने सामने थी। ये मैच ना तो टीम इंडिया जीती और ना ही अफगानिस्तान टीम हारी। दरअसल ये मैच टाई रहा। मैच के बाद टीम इंडिया की कप्तानी कर रहे महेंद्र सिंह धोनी ने अफगानिस्तान टीम की जमकर तारीफ की। धोनी ने कहा कि अफगानिस्तान की टीम ने काफी अच्छा क्रिकेट खेला और पिछले कुछ सालों में उनके खेल में काफी अच्छा परिवर्तन देखने को मिला है। अफगानिस्तान के क्रिकेट में काफी सुधार हुआ है। एशिया कप की शुरुआत से ही वे जिस तरह का क्रिकेट खेले वो है काबिले तारीफ है। हमने उनके क्रिकेट का खूब आनंद उठाया। आपको बता दें, इस मैच में कई ऐसे मौके थे जहां मैदानी एम्पायर्स ने गलत डिसीजन दिए। फिर चाहे दिनेश कार्तिक और खुद कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को LBW के जरिए आउट करार करना, या जब मैच के आखिरी ओवर में जडेजा ने छक्का मारा लेकिन एम्पायर्स ने उसे चौका करार दिया, इस पर महेंद्र सिंह धोनी काफी नाराज दिखे। मैच के बाद उन्होंने इशारों इशारों में एम्पायर्स पर भी निशाना साधा। धोनी ने कहा, दो रन आउट गलत हुए और कई विकेट ऐसे गिरे जिनके बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि फाइन काटा जाए। बहरहाल, अगर मैच की बात की जाए तो अफगानिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया को 253 रनों का लक्ष्य दिया, जिसके जवाब में टीम इंडिया ने 49.5 ओवर में 252 रन बनाए और मैच टाई रहा। बता दें, एशिया कप 2018 के फाइनल में टीम इंडिया पहले से ही क्वालिफाई कर चुकी है और भारतीय टीम का सामना 26 सितंबर को पाकिस्तान बनाम बांग्लादेश के बीच जीतने वाली टीम से होगा।